तो ये दोस्तों हमारे पास बजाज की पल्सर 180 बाइक, और इस बाइक की आज हम जानकारी देने वाले हैं बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड। अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं होता है, हम न्यू बैटरी लगाते हैं और बार बार यानी कि ये डाउन हो जाता है, इस तरीके से प्रॉब्लम को लेके किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और इसे कैसे चेक करना है कि यहाँ तक हमारा करंट क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ तक जो करंट आता है वो हमारा कहाँ से सप्लाई होता है, ये सभी चीज़ हम आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। और इसका हमने ये चीज़ भी बताया है कि अगर बाइक स्टार्ट नहीं होता है, स्पार्क प्लग में करंट नहीं आता है, तो उसे कैसे यानी कि चेक करना है, तो वो उसका भी वीडियो हमने बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल के रखा है, चाहे आप वो भी देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस बाइक में जो सीखने वाले भाई होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं जिसे इतना जानकारी नहीं होता है, तो ये खास हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है ये उन भाई के लिए है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर बैटरी अगर हमारी चार्ज नहीं होता है और ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं ये यानी कि किस तरीके से काम करता है। तो इसे हमने यानी कि चेंज किया, ये चार्जिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम कर रही थी जिसे हमने चेंज किया। इसमें हो क्या रहा था यानी कि बैटरी पूरा फुल चार्ज जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा था और बाइक रखा रखा यानी कि अपने आप यानी कि डाउन हो जाता है। बैटरी अगर फुल चार्ज नहीं होता है, हमारा बैटरी कम चार्ज रहता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बैटरी अगर हम बाइक को रख देते हैं तो ये बैटरी ऑटोमेटिक है कि हमारी डाउन कर जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे हमें पता करना है कि यानी कि इसमें मैग्नेट से लेकर बैटरी चार्जिंग तक कैसे ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं, और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करने के बाद क्या होता है कि हम छोटी छोटी जानकारी हम देते हैं वो यानी कि कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो यहाँ पे बैटरी चार्जिंग से रिलेटेड हमें सबसे पहले मैग्नेट देखना होता है। यहाँ देखो, यहाँ जो मैग्नेट में इसकी लाइटिंग कॉइल होता है, इसका लॉक में दो वायर होता है और यहाँ से मैग्नेट से सिर्फ इसकी लाइट निकलता है। तो मैग्नेट से जो लाइट निकलता है वो किस वायर में निकलता है, यहाँ से आप देखेंगे वायर पूरा यहाँ से होते हुए, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे आता है। और यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना है कि इसमें किस वायर में यानी कि हमें चेक करना है। थोड़ा नज़दीक करो, यहाँ पर आपको बहुत सारा वायर मिलेगा जो कि इसमें 5 वायर होता है, और इसमें मैं दिखा देता हूँ। एक तो इस तरफ यानी कि वाइट में हल्का रेड है, और एक दूसरा कलर का है, और यहाँ पर फिर एक ब्लैक में हल्का पीला, और दो ब्लू कलर का वायर है। तो इसमें हमें ये चीज़ देखना होगा कि इसमें कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे जो ब्लू वायर देख रहे हैं आप, इसमें हमें दोनों में अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर के जरिए से कंटेनर पर लाके आप इसे चेक कर सकते हैं, और मल्टीमीटर नहीं है तो आप एक वायर लेके दोनों में यानी टच करके देख सकते हैं और इसकी यानी कि चिंगार जो स्पार्क होता है वो देख सकते हैं। अगर स्पार्क कर रही है तो आप समझे कि हमारी जो इंजन से लाइटिंग कॉइल है वो बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपके पास इस तरीके से मल्टीमीटर है तो इसे क्या करना है, यहाँ पर इसे यानी कि यहाँ कंटेनर पर लाना है इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पर हमने ले आया, और यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि ये यहाँ पे जो हम लाते हैं यहाँ पे आवाज़ करना चाहिए टूं टूं जैसा ज़्यादा। और यहाँ पे एक हमें इस वायर में और एक इस वायर में, दोनों जो ब्लू कलर का वायर है उस वायर में हमें दोनों वायर को लगाना है। और यहाँ पे देखिए आप, आवाज़ इसकी टूं टूं आवाज़ कर रहा है। तो इस तरीके से आवाज़ करने के बाद ये हमें पता लगता है इसकी जो करंट है, जो इसकी वायर है वहाँ से लेके यहाँ तक जो मैग्नेट कॉइल है वो बिल्कुल सही है। तब यहाँ से बात आता है कि हमारा आगे किस तरीके से ये सप्लाई करता है। तो यहाँ से हम चलिए इसे लगा देते हैं। तो इस तरफ भी देखें आप, यहाँ पे ब्लू वायर दोनों, और यही ब्लू वायर यही दोनों ब्लू वायर हमारा डायरेक्ट यहाँ रेगुलेटर में आता है। यहाँ पर ये देखें, ये जो रेगुलेटर है इसमें भी आपको दोनों ब्लू वायर मिलेगा। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर लाइट आ रहा है। अब यहाँ से लेके हमें इसकी वायर भी चेक करना है। कभी कभी ये भी होता है कि इसका वायर कटने के कारण से हमारी बैटरी चार्जिंग नहीं देता है, और पता नहीं हम रेगुलेटर ये वो बदल देते हैं उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक वायर में इस वायर को लगाना है और एक यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर जो ब्लू में जो वाइट है एक इसमें लगाना है इस तरीके से, और एक यहाँ पर लगाना है। मल्टीमीटर देखना आप, आवाज़ करेगा ये। इस वाले में लगाना है, ये देखें मीटर, देखें आप आवाज़ करिए मीटर। और फिर इसी तरीके से फिर दूसरे वायर को हमें चेक करना है, इसकी जो वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्लियर है या नहीं है। ये देखें, वहाँ देखो
इसकी दोनों जो वायर है वो यानी कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम इस कपलर को लगा देंगे। यहाँ से तो हमारा पूरा कंफर्म हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो वायर है वो कहीं पे भी यानी कि कट नहीं है। अब यहाँ से लेके हमें यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये यह देखें जो ब्लू कलर का वायर है, जिस तरीके से हमने आपको यहाँ दिखाया मैग्नेट कॉयल का वायर, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये ब्लू वायर दोनों यानी कि रेगुलेटर में इनपुट आता है, और यहाँ से जो आउटपुट है ये आप वाइट कलर का वायर देख रहे हैं ये वाला, इससे यानी कि आउटपुट होके हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए जाता है। तो यहाँ से चलिए हम चेक करते हैं, इस कपलर को हम लगाते हैं पहले। इस कपलर को हमने यहाँ पे लगा दिया और एक वायर हमें यहाँ पे लगाना है यहाँ पे, और एक वायर यहाँ बैटरी में। तो यहाँ पे देखना ये आवाज़ करेगा, ये देखें, इससे हमें साफ ये पता चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो वायर है, यहाँ देखो, यहाँ तक यानी कि रेगुलेटर से लेके यहाँ तक हमारी जो वायर है वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं से यानी कि कटा नहीं है। अब बात आता है कि यहाँ से तो हमने इस तरीके से चेक कर लिया ये सभी चीज़ बिल्कुल सही है, अब यहाँ से यानी कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करके देखना होगा, बाइक को स्टार्ट करके देखना होगा। स्टार्ट करने के बाद अगर हमारी बैटरी 12 या 12.5 तक पॉइंट तक यानी कि चार्ज है, तो हमारी जो चार्जिंग स्टार्ट करने के बाद वो 13+14 इस तरीके से आना चाहिए। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे जो कंटेनर है इसे हम यहाँ 20 पे रखते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया 20 पे। अब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा दूर कर, अब यहाँ से हमने बाइक को स्टार्ट किया और यहाँ से यानी कि 20 पे रख के हमें इसकी चार्जिंग चेक करना है। यहाँ पे दोनों को इस तरीके से लगाना है, और यहाँ पे देखो, ये देखें, जब हम इंसुलेटर मारेंगे इसकी जो पावर है ये यानी कि बढ़ना चाहिए। ये यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस तरीके से यानी कि 13, 13.5, 14 इस तरीके से अगर बैटरी में कम चार्ज होता है वो यानी कि 14 तक जल्दी नहीं पहुंचता है, और अगर फुल चार्ज होता है बैटरी तो उस समय हमारा क्या है, बाइक स्टार्ट करने के बाद 14 तक पहुंच जाता है। तो इस रेगुलेटर में क्या दिक्कत था, यानी कि ये बैटरी की जो चार्जिंग है वो यानी कि नहीं बढ़ा पा रहा था, और जिसे हमने इसे चेंज किया। कभी भी बैटरी की चार्जिंग से प्रॉब्लम करती है तो आप इस तरीके से चेक करें, प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही जल्दी आप हल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी दे रहा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।